2012 में जो चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी बहुमत लेके चुनाव किया। और 2012 में चुनाव का समय नेताजी उत्तर प्रदेश जनता को जो वादा किया था, जो 29 योजना का बारे में जनता को वादा किया था, 2012 में अखिलेश जी का नेतृत्व पर जो सरकार हुआ, उत्तर प्रदेश विकास के लिए 29 योजना जनता के लिए लागू हो गया। 2012 में चुनाव में समय उत्तर प्रदेश एक पिछड़ी राज्य था, और 2017 में जो चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश आज पिछड़ी राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश एक विकासशील राज्य है। 2012 से 2017 इतनी महत्वपूर्ण चुनाव है, हम लोग चाहते हैं भाजपा को हराने के लिए। केवल उत्तर प्रदेश से 2017 में भाजपा को हम लोग हराएंगे तो हम लोग का लक्ष्य 2019 में लोकसभा चुनाव है। इसलिए 2017 चुनाव में हम लोग चाहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए, तो अभी तक तो कांग्रेस का कोई सूची हम लोग के पास नहीं आया। 54 सीट दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। अभी तक तो कांग्रेस का पास से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक तो नहीं आया, तो चुनाव शुरू हो चुका। हम लोग चाहते भाजपा को हराने के लिए, कांग्रेस चाहते उनका शक्ति को मजबूत करने के लिए, तो पहला लक्ष्य भाजपा का हराना। तो कांग्रेस गठबंधन में राजी हो जाएंगे, भाजपा को हराना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी जो सीट कांग्रेस को देना चाहते हैं, कांग्रेस का 52 सीट के ऊपर कांग्रेस का हक है, इससे 25-30 सीट हम लोग चर्चा करके कांग्रेस को दे सकता है।